देख लो, इसे मैंने कॉल नहीं करके देख देखा लेना गाइस, इनसे दिक्कत पूछ लेना। फिर जो काम चोर होंगे। एंड गाइस, बड़ी मुश्किलों के बाद आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फोन की बैटरी भी लो हो चुकी है और आज स्टूडियो अभी तक खुला भी नहीं है। अभी टाइम हो चुका है 2। आ सकती है आप लोगों को, तो उसे थोड़ा माइंड बंद करना। कॉलेज जा रहा हूँ, इधर में पीछे कैमरा है मेरे। अभी कॉलेज जा रहा हूँ, आज एडमिशन फॉर्म जमा करना है, कल को लास्ट डेट है। और एडमिशन फॉर्म भी और एग्ज़ाम फॉर्म दोनों जमा करने हैं। फीस भी जा चुकी है, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया था कि मैं जाऊँ और मैं ये सब चीज़ों को जमा करूँ, बट अभी चलते हैं। एंड गाइस, फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं कॉलेज। अभी देखो, हिंदू कॉलेज आप लोगों ने मुरादाबाद में देखा ही होगा, बाकी मैं दिखा देता हूँ। एडमिशन फॉर्म जमा करना था। एडमिशन फॉर्म किधर हो रहा है? गाड़ी अंदर लाओ। किधर? मैं कह रहा हूँ। तो अभी हिंदू कॉलेज पहुँच चुका हूँ और 10 या 11 खिड़की नंबर है जहाँ पे फॉर्म जमा हो रहा है। और बहुत बड़ा कॉलेज है पूरा। मैं मतलब इधर आया तो नहीं हूँ पढ़ने, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई मैं करता नहीं हूँ। क्या बाकी के दिन पूरा अच्छे से दिखा दूंगा पूरा कॉलेज जब कभी आऊँगा। और आज सब कुछ फ़ोन से शूट हो रहा है, अच्छा शूट हो रहा है ना, दिन में अच्छी आती है क्वालिटी से। हाँ, मेरा फोन कॉलेज दिखाता हूँ मैं आपको पूरा, है ना। लाइक जब मैं एग्ज़ाम देने आया था तो इधर से जाता था और ऊपर मेरी क्लास थी। मतलब 2-3 एग्ज़ाम मैंने इधर से दिए हैं और कुछ एग्ज़ाम मैंने उस पार दिए थे। मतलब अभी इसके पार दिखा दूंगा सब कुछ। दस ग्यारह किधर है? काफ़ी बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ा। यहाँ पे भी कुछ नॉन्स मिल सकते हैं। हेलमेट लगा के घूम रहा हूँ, मैंने हेलमेट भी नहीं उतारा। कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। थक जाओगे, चलते चलते यहाँ पे पूरे। अभी सब देखेंगे मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये फ़ोन में किससे बातचीत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। गवर्नमेंट टीचर्स की ये वसूली रहती है, इनसे कुछ मुँह भी नहीं लग सकते। और मतलब मैं शुरू से गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूँ और ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, बट मेरा प्राइवेट है इधर। एक फॉर्म मेरे हाथ में है और कुछ जमा नहीं कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि कल को जमा करना, कल आना पड़ेगा मुझे कॉलेज। आज मैं 2 बज चुके हैं, खिड़की ही बंद हो गई है। वैसे एक फॉर्म तो रख ही सकते हैं लोग। इधर फायर ब्रिगेड के बारे में बताया जा रहा है सब कुछ, अगर आग लग जाती है तो क्या होगा। ग्राउंड में जाने का रास्ता था, बट ये बंद कर दिया इन्होंने, जाल वाल लगा के कितनी सख्त वक्त। बाकी इधर तो हो रहे हैं यार जमा। गवर्नमेंट टीचर्स के यही टाइप्स होते हैं, जितने ही पोलाइटली रहते हैं उतना ही स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर अपने डिसीजन ले लिया तो ले लिया इन लोगों ने, मतलब डिसीजन का कोई वो ही नहीं है। और बाकी हेलमेट में मैं कैसा लग रहा हूँ, जैसे चुटिया में देखा होगा, आज हेलमेट में अपने कॉलेज में टहल रहा हूँ। और अभी 2 बज चुके हैं, मतलब यहाँ पे अभी जितने भी हैं ना सब लाइक मेरे ऐसे ही लोग हैं जो लेट लतीफ़ हैं या फिर जो काम चोर होंगे कॉलेज वगैरह से छुट्टी के लिए। थक गया मैं तो थोड़ी सी दूर चलने में। और इधर पूरा ग्राउंड का मेन गेट है लाइक यहाँ पर। और हिंदू कॉलेज में एनसीसी वगैरह को ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही एनसीसी के वो रहते हैं। बाकी बहुत पब्लिक आती है, अभी तो कोई नहीं है। दिखा देता हूँ थोड़ा सा कॉलेज। और हेलो बोल दो। हेलो हेलो बोल दो। क्या करते हो यहाँ पे? है? कॉलेज में क्या कर रहे हो यहाँ? हम तो खेल रहे हो, पढ़ते हो? कौन सी क्लास में है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ में। अच्छा, थर्ड। तो यहाँ हिंदू कॉलेज में रहते हो? हाँ। अच्छा, गाइस बसूड़ी हो गई। आज तो काम हुआ नहीं, अब कल आना पड़ेगा। बट कल मैं स्टूडियो क्लोज नहीं रखूँगा, ऐसे ही आज रखा था ना, तो इतना बड़ा कॉलेज है। अभी मैं मेन गेट पे खड़ा हूँ बाहर,
तो हिंदू कॉलेज से जो जो है वो लोग सब्सक्राइब कर देना ठीक है। और अभी मैं जा रहा हूँ स्टूडियो, स्टूडियो खोलते देखते हैं अमन पहुँचा नहीं पहुँचा। एंड गाइस फाइनली अभी स्टूडियो पहुँचा हूँ मैं, हाँ सब कुछ फ़ोन से शूट कर रहा है, बड़ी क्वालिटी अच्छी आ रही हुई, आई नो वेरी वेल। और क्यों क्वालिटी अच्छी क्यों आ रही है यार, फोन से शूट हो रहा है ऐसी थोड़ी ना है यार। और अभी 3:30 बज चुके हैं, अब स्टूडियो खुला है, आज का दिन भी पता नहीं कैसा रहने वाला है, बोरिंग सा है कल की तरह। कल मैकडोनल्ड्स वाला ब्लॉग तो देख लिया होगा ना आपने। तो बाकी अभी मैं लंच करने आ रहा हूँ, अभी टाइम हो चुका है 6 बजे, हम लोगों को टाइम मिला है लंच करने का, बट अभी लंच कर लेते हैं। और कॉलेज तो आपने देख लिया होगा, मेरा अपॉइंटमेंट अभी सब खत्म हुई है सारी, आज की अपॉइंटमेंट अमन ने करी है, मैंने कुछ नहीं करा। अभी हम लोग लंच कर लेते हैं, लंच दिखाता हूँ। आज मम्मी ने भूमि के लिए भी लंच भेजा था पर भूमि नहीं आई, बैड लक होता है ना तो लोग ऐसे करते हैं। तो अभी देखते हैं, अभी लंच खा लेते हैं ना। ये देखो कैसे खा रहे हैं अकेले बैठे बैठे, इतनी तेज भूख ली। अभी आ रहा हूँ 2 मिनट यार, जब भी कैमरा ऑन होता है तभी सारे फोन आता है। अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में, देखो सारा खत्म कर दूंगा, खा लो तब तक की मोहलत है बस। मम्मी ने ना उसे भूमि के लिए दिए थे इतने सारे सही, और आज वो आई नहीं। इसे कहते हैं किस्मत, पर वो कह रही थी कि आज नहीं आएगी, अगर तो बता देना मैं कल भेज दूंगी, वो कल भी दोबारा भेज देंगी। मैं दिखती हूँ तेरी, और कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, सरकारी नौकरी ये फिर बच गया। ये बड़ा बसता है यार, ये ब्लॉगिंग के टाइम पे तो कुछ ज्यादा बसता है, सब नए नंबर होते हैं, लो देख लो इसे कॉल करके देख लेना गाइस, इनसे दिक्कत पूछ लेना। और ये वही कस्टमर तो नहीं है। एंड गुड इवनिंग गाइस, फाइनली मैं सो गया था आज, और 1 घंटा भी नहीं सोया हूँ, फिर भी अभी सर में दर्द है, और उसकी नींद पूरी ना होने की वजह से डाइजेशन भी ठीक नहीं हो रहा है अभी। तो अभी मैं और अमन जा रहे हैं लेमन जूस पीने, फिर उसके बाद घर जाएंगे। तो अभी स्टूडियो को क्लोज कर लेते हैं।